हेलो हाय एवरीवन मैं दीपा सिंह और आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे तो आज है डेट नाइन नाइन फाइव टू थाउजेंड ट्वेंटी डे है सैटरडे तो सैटरडे ब्लॉग है ये जो मैं बना रही हूं तो अभी मैंने यहाँ पे बनाया था बनाना केक तो अभी मैं दिखाती हूँ कितना मैस फैल जाता है एक्चुअली जब हम बनाते हैं ना कोई चीज़ तो उसके पीछे की जो कहानी होती है इतनी मैज से होती है कि पूरा किचन फैल जाता है मतलब बनाने में तो कम टाइम लगता है बट तो उसको समेटने में ज़्यादा टाइम लग जाता है तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे गंदा हो गया तो आपको दिखाती हूँ वन बाय वन तो so, चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं बनाना केक बनाना बनाना केक बनाना बहुत ही आसान होता है तो इससे दो से तीन लगभग आप बनाना इसमें ले सकते हैं देखिए ये कट कर लिया है मैंने और इनको डाल दिया मिक्सी में और यहीं पे मैं साथ साथ में चीनी भी इसमें ग्राइंड कर दूँगी तो चीनी भी मैंने मिला दिया आप इसमें कम चीनी मिलाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि बनाना की भी अपनी स्वीटनेस होती है उससे भी काफ़ी स्वीट हो जाता है केक और यहाँ पे मैं यूज़ रही हूँ सूजी क्योंकि मैं बनाने जा रही हूँ सूजी का केक इसलिए मैं यूज़ करी सूजी यह है पतंजलि की सूजी तो यहाँ पर मैंने देखी दो कर्ची समझ लीजिए अब मैंने यहाँ पे डाल दिया है सूजी अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मैदा मैदा की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि उसको अच्छे से थोड़ा सा मतलब तो फुलाता है वो तो उससे केक का जो आपका बनेगा बहुत अच्छा बनेगा अगर सूजी सूजी के बनाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा ना बिखर जाता है केक स्टेबल नहीं रहता है एक जगह पर तो इसलिए आप चाहें तो मैदा की जगह पर आटे का भी यूज़ कर सकते हैं तो यहाँ पर मैंने डाल दिया अंडा और आधा मैं यहाँ पर डाल रही हूँ देखिए आधा तेल डाल रही हूँ मतलब एक चम्मच समझ लीजिए और डाल रही हूँ यहाँ पर दही एक चम्मच अब पहले मैं बैटर को देख लेती हूँ मिक्स करके कि इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है उसके अकॉर्डिंग ही आगे हम इसमें यूज़ करेंगे जो भी डालना होगा और अब देखिए घर का ही है ये घर की दही थी और ये मलाई है तो आपकी जितनी भी मलाई होती है ना तो आप इस तरह से मलाई का भी केक बना सकते हैं बहुत अच्छा बनता है बहुत सॉफ्ट बनता है आप जाए जरूर ट्राई करें एक बार इसको मैं विस्क मदद से अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ देखिए मिक्स कर दिया है मैंने ये अभी इसमें थोड़े थोड़े लम्स हैं क्योंकि अच्छे से मिक्स नहीं हुआ है तब जो अब ये बनाना वाला बैटर था इसको भी हम अच्छे से कर लेते हैं मिक्स तो देखिए फ्रेंड मिक्स हो गया है अभी थोड़ा सा ये मोटा मतलब ठीक है तो अभी मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ मैंने इसमें दूध भी डाला है सॉरी दूध भी आप मिक्स कर सकते हैं आप चोको पाउडर डाल रही हूँ सॉरी कोको पाउडर डाल रही हूँ और ये जो कोको पाउडर आई थिंक सिक्सटी समथिंग इसका प्राइस है इस तरह का होता है देखिए ये कलर आता है इसमें तो ये बनाने जा रहे हैं हम सूजी का चॉकलेट केक और इसमें सिरप डाल रही सिरप का कलर बहुत अच्छा होता है इसलिए इससे कलर बहुत अच्छा आता है सिरप से इसका प्राइस है टू हंड्रेड रुपीज़ इसको मैं आई थिंक परचेस करके लाई थी बिग बाज़ार से तो इसे मिक्स कर लिया है अब मैं इसको अच्छे से कर लेती हूँ मिक्स तो ये देखिए ये हमारी मिक्सिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गई है अब मैंने ये जो आ, मैंने इसको पहले पीसा नहीं था सूजी को तो इसलिए मैं दोबारा पीस रही हूँ क्योंकि क्या होता है कि सूजी थोड़ा मोटी होती है तो अच्छे से वो उसका मतलब फूल नहीं पाता है तो अगर आप पीस करके यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा केक बनेगा आपका अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ वनीला एसेंस वनीला एसेंस है ये आपको मार्केट में मिल जाएगा ईजिली प्राइज़ इसका थर्टी बहुत सारी मतलब बहुत बार यूज़ हो जाता है ये बहुत बार तो बहुत सारे केक्स बना सकते हैं बाद में मैं और उसमें और ऐड किया था मैंने ये सिरप यूज़ किया था क्योंकि थोड़ा इसका कलर कम था इसलिए अब मैं देखिए कुकर है आप किसी भी कुकर में इसको बना सकते हैं फ्रेंड आपके घर में कोई भी कुकर हो कोई भी कढ़ाई हो बस वो बंद मतलब इस तरह से बंद करना आपको बस तो ये पुराना मतलब कुकर है जो इंडक्शन का कुकर है ये कम यूज़ होता है तो मैं इसको यूज़ कर ले रही हूँ यहाँ पे अब बैटर देखिए बन तैयार हो गया है मेरा जब मेरा बैटर बन तैयार हो गया तभी मैंने वो प्रोसेस इसको मतलब आपको जो बैटर है सॉरी आपको थर्टी मिनट्स या ट्वेंटी मिनट्स तो मिनिमम आपको रखना ही है अब मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ सोडा सोडा डाल रही हूँ मतलब वन फोर्थ पार्ट जितना भी आप बेकिंग पाउडर यूज़ करें उसका वन फोर्थ वा, फोर्थ पार्ट आपको सोडा यूज़ करना है थोड़ा सा वन पिंच यहाँ पे नमक यूज़ कर रही हूँ मैं इससे अच्छा बनता है कि एक रिएक्ट करता है जल्दी जो भी चीज़ें हम डालते हैं ना उसके साथ रिएक्ट करता है और बहुत अच्छा टेस्ट आता है यहाँ पे देखिए चोको चिप्स भी है मेरे पास तो चोको चिप्स भी मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ वाइट एंड चॉकलेट कलर के उससे अंदर का जो है बड़ा अच्छे अच्छे चॉकलेट जैसा आ जाता है बीच में और थोड़ा मीठा भी हो जाता है अब ये देखिए पैन है इस तरह के हम केक के लिए पैन यूज़ करते हैं टिन पैन जो होते हैं ये तो मेरे पास भी है तो आपको नॉर्मल उसमें बना के भी दिखा देती हूँ किसी में भी आप बनाएंगे फ्रेंड बन जाएगा ग्लास में कटोरी में कुकर में किसी में भी आप मतलब बना सकते हैं केक को तो ये मेरे पास आ, आ, मतलब जो मैं यूज़ करती हूँ बटर पेपर तो मैं ये ऑडी वाला रैपर ही यूज़ कर लेती हूँ इसमें से थोड़ा सा ऑयल लगा के इसी को यूज़ आप आराम से कर सकते हैं देखिए बैटर बन गया है बिल्कुल और कंसिस्टेंसी आपको पता चल ही गई होगी इसको मैं अच्छे से फिंगर से खाली कर लेती हूँ खाली कर लिया इसके बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ चॉको चिप्स ताकि उसका थोड़ा अच्छा सा मतलब ऊपर से थोड़ा स्ट्रक्चर अच्छा आए उसका टेक्सचर एंड इसको मैंने डिप कर दिया इसमें इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेती हूँ ताकि ना इसके जो किनारे हैं उसमें नहीं लगने चाहिए क्योंकि जब पानी भी बहुत बार क्या होता चला जाता है तो इससे ख़राब जाता है कुकर देखिए बंद कर दिया प्री हीट मैंने इसको कर लिया था पहले जब सूजी को थर्टी मिनट्स रखा था तो कुकर को भी चढ़ा दिया था साथ, -साथ में ही और इसको मैंने रखना है थर्टी मिनट्स या आफ्टर फोर्टी मिनट्स आप देखिए निकालेंगे आफ्टर थर्टी या फोर्ट मिनट्स देखिए इस तरह का ये बन के बिल्कुल तैयार हो गया है साइड्स इसके छोड़ दिए तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि केक को देख के ही पता चल जाता है कि वो पका है या नहीं पका है आपको अपने केक को देख के ही मालूम चल जाएगा सो so, फ्रेंड ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल सारा मतलब फैल गया एक बस बनाना और सूजी का केक बनाया था तो यहाँ पे देखो मैदा उसमें मिक्स किया था एक कुकर है जिससे कि शूटिंग कर रही थी इसकी भी जरूरत होती है बाकी देखो केला वेले ये सब कुछ ऐसे फैला हुआ है अब तो अब मैं इसको डेकोरेट करके दिखाती हूँ आपको तो चलिए अब इसको कर लेते हैं डेकोरेट करने की तैयारी तो देखिए फ्रेंड ये है केक इसके साइड्स में अच्छे से चाकू से उल्टे चाकू यूज कर रही हूं मैं ताकि वो कटे ना केक तो देखिए इसको खाली कर लेती हूँ ये छोटी सी ट्रे है ट्रे में इसको पलट देते हैं आराम से पलट के खाली हो जाएगा देखिए इजीली कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई आराम से पलट जाता है अगर आपका केक अच्छे से बेक हुआ हो तो इजीली वो बाहर आ जाता है देखिए पेपर है पेपर भी आराम से निकल जाएगा आपको दिख रहा होगा बिल्कुल पक गया है जला भी नहीं है और जो जो पैन है वो भी देखिए बिल्कुल चमक रहा है कहीं से क्योंकि लगा नहीं है कहीं पे और देखिए स्पंज इसमें बहुत है आपको पता चल रहा होगा देखने से ही कितना स्पंजी बना है कितना अच्छा बना है और खाने में भी फ्रेंड बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका बनाना की ना बहुत अच्छी माइल्ड स्मेल आती है अब मैं ऊपर से इसको डेकोरेट करने के लिए यूज़ कर रही हूँ चॉकलेट सिरप चॉकलेट सिरप भी आपको आराम से मिल जाएगा मार्केट में और ब्रश की मदद से मैं इसको अच्छे से कर लेती हूँ स्प्रेड तो देखिए अच्छे से स्प्रेड हो जाता है ब्रश की मदद से आप चाहे तो स्पून से भी स्प्रेड कर सकते हैं और यहाँ पे मैं ले रही एक डेयरी मिल्क केवल एक ही टुकड़ा यहाँ पे यूज़ हो जाएगा उससे काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छे से बन जाता है यहाँ पे आप चाहे तो कद्दूकस ले लें और चाहे तो इस तरह से पिलर ले लें पिलर से भी इसका चूरा चूरा हो जाता है और इस तरह के डेकोरेट कर सकते हैं और ऊपर से मैं इसमें डाल रही हूँ चॉको चिप्स तो चोको चिप्स से भी ये काफ़ी देखिए डेकोरेट हो गया अच्छा लग रहा है अगर आप मार्केट से नहीं परचेस कर पा रहे हैं तो इस तरह से भी केक आप अपने घर में बड़ी ही आसानी से बना सकते हैं ये देखिए बनके तैयार हो गया स्पंज आपको इसका नज़र आ रहा होगा देखने में ही पता चल रहा होगा कि कितना अच्छा बना स्पंजी बना और टेस्टी तो बना ही है तो चलिए अब मैं इसको आपको कट करके भी दिखा देती हूँ कि अंदर से कैसा बना है बाहर से तो आपने देख लिया कि बाहर से ऐसा बना है चलिए अंदर से भी दिखा देते हैं कि अंदर से कैसा बना है तो देखिए ये हो गया है कट और ये देखिए अंदर से भी ये काफ़ी स्पंजी बना दिख रहा होगा आपको और जहाँ जहाँ पे चॉको चिप्स है ना वहाँ पे वहाँ पे डार्क चॉकलेट जैसा कलर आया है दिख रहा होगा आपको साइड में तो देखिए काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली बहुत अच्छा बना है टेस्टी होता है फ्रेंड so, ये देखिए केक बन के तैयार है जो मैंने अंदर से वो डाले थे चोको चिप्स वो आए हैं बीच बीच में और देखिए कितना सॉफ्ट बना है आपको दिख रहा होगा देखने से पता चल रहा होगा बहुत अच्छा बना है तो अब ये जितना बिखरा हुआ है ना अब ये भी साफ करना पड़ेगा तो चलिए इसको मैं साफ कर लेती हूं तब तक और फ्रेंड इसको बनाना बहुत ही आसान होता है कोई भी बना सकता है चॉकलेट ये और खाने में भी ना बहुत टेस्टी होता है हेल्दी होता है आप जरूर ट्राई करें अपने घर में बहुत आसानी से आपके घर में बन जाएगा आपको इसके लिए पता है आपको इसके लिए ना इस तरह के माइक्रोवेव की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि जब हम माइक्रोवेव में बनाते हैं जब हम माइक्रोवेव में बनाते हैं पता की जो भी, जो भी है कौन सी सेटिंग कहाँ पर है क्योंकि केक या कोई भी चीज आप ऐसे इसमें बेक नहीं कर सकते तो बहुत आ, अलग अलग चीजों का इसमें मैं आपको दिखाती हूँ तो यही मेरी शूटिश है सो फ्रेंड ये देखिए माइक्रोवेव है काफी मतलब इसका प्राइस था आई थिंक ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू समिंग का था ये और एल का है ये तो देखिए इसमें कुछ कुक करते हैं ना तो बहुत मेहनत लगती है रियली में सब कुछ सेटिंग करनी पड़ती है माइक्रो ग्रिल कॉन्वर और ये कॉम्बे पता नहीं क्या क्या मतलब बहुत सारी सेटिंग्स करनी पड़ती है बहुत सारी डिशेज में बन जाती हैं ऑटो तो कुक हो जाती हैं बट मेरे को जहाँ तक लगा ना केक जो होता है ना बेटर जो बनता है वो कुकर या कढ़ाई में ही बनता है तो देखिए किड्स डिलाइट लिखा है तो यहाँ पे केक बनते हैं लो कैलोरी स्टीम कुक भी होता है इसमें मतलब आ, सब कुछ बन जाता है इसमें ढोकला वोकला भी सब बन जाता है डाइट फ्राई टी टी भी बन जाती है इसमें लेकिन क्या होता है ना बिजली बहुत खाती है चाय भी आपके आराम से बन जाएगी इसमें डोसा देखिये डोसा भी बनता है इसमें घी वाला और कुकिंग एड्स इसके बर्तन भी है तो मैं चलिए आपको किसी नेक्स्ट दिन दिखाऊंगी कि कि किस तरह से काम करता है और क्या क्या इसके बर्तन होते हैं अभी थोड़ा ज्यादा साफ नहीं है गंदा हो रहा है सफाई की भी जरूरत है इसको कम ही यूज़ हो रहा है हमारा तो फ्रेंड ये है मेरी छोटी सी बालकनी अब आप मैं आपको दिखाती हूँ सेल्फ वाटरिंग प्लांट इस तरह से आप देखिए सेल्फ वाटरिंग प्लांट बना सकते हो ये इसमें मैंने लगाए थे आ, ये आ, मिंट लगाया था इसमें मैंने पुदीना तो आपको देख रहा होगा देखो इसको ज इसके जड़े बड़ी ही आसानी से आ गई जड़ें अगर आपको देख रही होंगी इसमें जड़े आ गई हैं सभी पौधों में आप चाहें तो इसको फिर ना दूसरे उसमें भी डाल सकते हैं क्योंकि इसने जड़े पकड़ ली आराम से इस तरह से अगर आप लगाएंगे ना तो इसमें ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी होती है वैसे अब दस से पंद्रह दिन बाद इसमें पानी चेंज कर लें या दाल का पानी डाल दें या चावल का पानी डाल दें तो उससे काफ़ी अच्छी ग्रोथ होती है और तो देखिए इस तरह से आप इसको हैंगर से आराम से सुतली से या किसी भी ऊन की सहायता से आप इसको हैंग भी कर सकते हैं और यहाँ पे रखा ये ट्राईपॉट जिससे कि मैं शूटिंग कर रही हूँ और ये देखिए छोटा बिट्टू केक खा रहा है और है। ये मेरी छोटी सी बालकनी है प्लांट्स इसमें लगे हुए हैं आजकल धूप थोड़ा कम आ रही है इस वजह से वरना अंदर पूरी धूप आ जाती है सर्दियों के टाइम पे तो ये देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे प्लांट लगाए ये मेरा डी था जो मैंने करा था जूट से बट मैं इसका नहीं पाई वीडियो और यहाँ पर यह हैंगिंग वाला ये हैं� अब बचता है काफ़ी अच्छा है और ये फ्लावर देखिए बहुत अच्छा है ये पहाड़ी फ्लावर है जीरेनियम का फ्लावर है ये तो इसमें बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर आते हैं बहुत दिनों तक रहते हैं और ये भी सारे डी आई हैं ये है सामान काफ़ी महंगा था फ्रेंडी सामान मतलब थोड़ा सा सामान था आई थिंक ट्वेंटी फाइव हंड्रेड समथिंग सामान था इतना छोटा थोड़ा सा सामान तो फ्रेंड ये था आज का ब्लॉग तो आप जरूर बताइएगा कि आपको ब्लॉग कैसा लगा अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ब्लॉग कैसा लगा अगर ज्यादा ही पसंद आ जाए तो प्लीज सब्सक्राइब शेयर एंड हिट द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन और बताना ना भूले कि आपको कैसे लगा ये ब्लॉग तो चलिए अभी ब्लॉग को मैं यहीं पे कर देती हूँ खत्म बाय ये मेरी प्यारी सी बिट्टू है बिट्टू भी बोल रहा है बाय बायोर्निंग